अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो है वो देखो नेम से इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान जो इंटरकन्वर्जन होती हैं तो उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में, ठीक है। एग्जाम्पल HCl, NaOH या NaCl, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन को कहते हैं बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के रिलेटेड तीन पॉइंट्स हैं, उसकी डेफिनेशन एक तो ये कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तीसरा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कहता है कि रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू एटम्स, ठीक है। किसी भी दो एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लाजमी चेंज होती है, ठीक है। एक की इंक्रीज होती है और एक की डिक्रीज होती है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन बेसिकली हमारे पास ओवरऑल हम लोग देखें कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्या, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा जो है वो रिड्यूस होता है, तो उसे हम लोग जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप लोगों ने जो है वो बुक से देख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, या फिर ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होती है रिएक्शन के अंदर। एग्जाम्पल आप लोगों को जो है वो दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to -1, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो और हमारे पास ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। अब इन रिएक्शन से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स की, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को उसने एक एग्जांपल दिया है, इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हो कि सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 1, तो आप लोगों को जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। कि लाइक इनके जो है वो जो मैंने इनकी डेफिनेशन बताई दो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या ये ऑक्सीडाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं चीज़ों को, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, एग्जांपल। तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को जो है वो लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक MCQ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लाइक ऐसा कंपाउंड MN का जिसमें MN की रिड्यूसिंग पावर जो है वो जीरो हो, तो हमारे पास वो KMnO4 है, ठीक है। इसमें MN की ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग पावर जो है वो जीरो होती है, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते, ठीक है, या जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमारे पास है इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल मेंशन है बुक में, आप लोगों के पास आई थिंक दो तीन डेफिनेशन मेंशन है, तो आप लोग बाकी जो दो डेफिनेशन है तो आप लोग बुक से खुद देखोगे, ठीक है, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास चाहे वो बेसिकली मेटालिक रॉड्स होती हैं या वायर्स होती हैं या प्लेट्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो उनको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। कैथोड पे हमेशा जो है वो रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। एग्जांपल देखो, आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग आंखें बंद करके कह दो कि यहाँ पे रिडक्शन ही होगी, और जो सेकंड रिएक्शन है वो एनोड पे हो रहा है, तो एनोड पे हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन ही होती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से MCQs देख लिए वो आप लोगों को बताता हूँ। देखो, ये जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी है, यहाँ से MCQs नहीं आते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन आप लोगों को कम से कम ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें तीन पॉइंट्स पता हो, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन, दूसरा ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एंड थर्ड ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का आपको पता हो कि लाइक इसमें जो है वो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है, लेकिन आपको पता हो कि लाइक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रही है और रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इसकी एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो है आप लोगों के पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का पता हो कि लाइक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको हम लोग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, या ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिएक्शन के अंदर डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, रिड्यूसिंग का पता हो दो तीन पॉइंट्स, ठीक है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ होती है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो MCQ पॉइंट मैंने आपको बताया कि MN का ऐसा कंपाउंड जो है वो जिसमें MN की रिड्यूसिंग पावर जो है वो जीरो हो, तो वो KMnO4 है,
ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़ीरो होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे पेपर के अंदर, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि आप लोग बताओ कि एक रिएक्शन देगा, आप लोगों को बोलेगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है और कहाँ पर रिडक्शन हुई है। तो आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो कि हमारे पास कैथोड पे हमारे पास हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो आप लोग इजीली गैस कर सकते हो। आप लोग इन पर प्रैक्टिस करो तो इजीली ये चीज़ें आप लोग जो है वो सीख जाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्राडे लॉ। ठीक है, फ्राडे का फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ द एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन अ लेबोरेटरी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग इसको देख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब W जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लेबोरेटेड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम्स के अंदर। Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि पास्ड हो रही है कूलम्स यूनिट कूलम्स में। ठीक है, और अब प्रोपोर्शनैलिटी को जो है वो रिमूव फिलहाल आप लोग ना करें। क्यू हमारे पास ITQ होता है, ठीक है, I करंट को इंडिकेट कर रहे हैं और T टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को रिमूव करके उसने Z इंट्रोड्यूस किया है। अब Z क्या है, Z हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो फ्राडे लॉ की जो है वो इक्वेशन है W = ZIT। समटाइम्स यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ आते हैं, लेकिन वो इतने मुश्किल या इतने टफ नहीं होते। आपको रिलेशन पता हो, आप लोगों ने इस रिलेशन के ऊपर MCQs की प्रैक्टिस की हो, तो आप लोग इजीली जो है वो उस न्यूमेरिकल को जो है वो हिट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आप लोग को बेशक ये रिलेशन आता हो, आप लोग इसमें से MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास फ्राडे का सेकंड लॉ। इससे पहले हम लोगों ने फ्राडे का फर्स्ट लॉ देखा था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो है वो W = ZIT के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो फ्राडे का सेकंड लॉ देखते हैं। इसमें कहता है कि इफ़ द सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन द एलिमेंट्स अमाउंट डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स आर इक्वल टू द केमिकल इक्विवेलेंट आर ग्राम्स इक्विवेलेंट्स। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट इसकी है कि वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोड जो कि हमारे पास 96500 कूलम की इक्वल होता है, कहते हैं कि या फिर वन फ्राडे चार्ज जिसको हम लोग पास करें थ्रू अ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द केमिकल इक्विवेलेंट विच इज़ ई। तो ये भी हमारे पास जो है वो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो फ्राडे के सेकंड लॉ की, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको पता हो। ठीक है, और फ्राडे की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट भी आपको पता हो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये MCQ में आती हैं। ठीक है, रिलेशन इसका क्या होगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। W यहाँ पे हमारे पास वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं W1/W2, W2 = E1/E2, W1 हमारे पास वेस्ट वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, W2 जो है वो सेकंड एलिमेंट का वेट हो जाएगा, E1 जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट का और सेकंड एलिमेंट का केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा E2। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास उसका रिलेशन है W1/W2 = E1/E2। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये था आप लोगों के पास फ्राडे का सेकंड लॉ। गिनी चुनी दो स्टेटमेंट्स हैं और एक आप लोगों के पास उसका रिलेशन है, दैट इज़ इट। बाकी इसमें और कोई MCQ पॉइंट नहीं है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, सिंपल रिलेशन भी पूछ सकते हैं आप लोगों से स्टेटमेंट के अंदर, तो ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बेसिकली इट इज़ अ पोटेंशियल विच इज़ डिवेलप्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन आयंस। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोड्स को जो है वो डिप करते हैं ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें आयंस हों, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल डेवलप होता है ना, तो उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ये बेसिकली एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिसका पोटेंशियल जो है वो हम लोग ज़ीरो लेते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, 25 डिग्री पर और 180 प्रेशर पर हमारे पास जो SHE का वो है पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो ज़ीरो वोल्ट्स के इक्वल होता है। ठीक है, और इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अननोन इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे MCQ पॉइंट है, कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितने, जीरो, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ऐसी हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर है, ठीक है, या अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग द रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का टेबल मेंशन है, तो आप लोगों ने देखना है, उसमें से MCQs आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों को इन चीज़ों के रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने उस टेबल को जो है वो किसी भी तरह याद कर लेना है। ठीक है, MCQs जो है वो उसमें से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी की आपस में इंटरकन्वर्जन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो दो तरह के सेल्स होते हैं, वोल्टिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। वोल्टिक सेल को गलवानिक सेल भी कहते हैं। कहते हैं कि इन दिस केमिकल, इसमें वोल्टिक सेल या गलवानिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, फॉर एग्जांपल नेल्सन सेल्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लाइक डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है और एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ड्राई सेल जो है वो वोल्टिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कौन सा सेल है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेल्सन सेल कौन सा सेल है या नेल्सन सेल में क्या होता है। ठीक है, नेल्सन सेल में क्या होता है, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिलेशन हमारे पास ये है कि एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे आगे उसने कुछ एटम्स की जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट फाइंड की है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है वो 2 होती है, हाइड्रोजन की जो है वो 1.008 होती है, आप लोग बाकी एलुमिनियम की देख लो 9 है। ठीक है, गोल्ड की उसने मेंशन किया, तो आप लोग ये आप लोग खुद देख लो। ठीक है, जस्ट सिंपल उसने क्या किया है, एटॉमिक मैसेज को जो है वो इनकी वैलेंसी के साथ डिवाइड किया है, तो केमिकल इक्विवेलेंट आ गए, तो इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको लाइट नहीं लेना। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि लाइक कौन सा रिएक्शन फ्लेक्सिबल होता है और कौन सा फ्लेक्सिबल नहीं होता। देखो, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और साथ में एक्सोथर्मिक भी होगा, दो कंडीशन है, स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक, तो वो रिएक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन अगर रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ तो वो नॉट फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ये दो पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने जहन में रख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल को। ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी तो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फ्लोरीन इज हाईएस्ट अमंग ऑल। फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो फ्लोरीन इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। हम लोगों ने बात की कि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो दैट इज़ वाई अगर फ्लोरीन की जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी जहन में रखने हैं। एक तो इनका रिलेशन ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और फ्लोरीन जो है वो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, सो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरियन। कोरियन हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एनी मेटल इनटू इट्स ऑक्साइड, तो उसे हम लोग कोरियन कहते हैं। और ये कोरियन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि मेटल जो है वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोरियन के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा है कि हमारे पास कोरियन फॉर्म्स इन वोल्टिक और गलवानिक सेल बिकॉज इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, कोरियन हमारे पास वोल्टिक और गलवानिक सेल्स में होता है। ठीक है, स्पेशली क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो अकर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो कोरियन हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। और इसमें हमारे पास जो रस्ट बनती है, रस्ट का फार्मूला क्या है, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, तो रस्ट का फार्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि लाइक हम लोग जो है वो कोरियन को जो है वो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बट इज़ ओनली रिड्यूस। मतलब हम लोग कोरियन को जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, इसकी हम लोग गुलवनाइजेशन कर सकते हैं, जिंक के साथ टिनिंग कर सकते हैं, SN के साथ बायनिकल एंड क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो इन प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है वो कोरियन को जो है वो कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी कुछ कंडीशंस कोरियन की। कोरियन कब होती है, जब हमारे पास एटमोसफेयरिक में जो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और मॉइस्चर हो। ठीक है, ये कंडीशंस है कोरियन के लिए। ये चीज़ें होंगी तो कोरियन होगी, अदरवाइज अगर आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा कम कर लो तो कोरियन जो है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बाकी MCQ पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि मॉलिक्यूलर कैटाइन जो होते हैं ना, ये लेस अबंडेंट होते हैं। ठीक है, N9 जो है वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ये आपको पता हो। कैथोड हमारे पास जो है वो हैज़ रिडक्शन पोटेंशियल
ऑलवेज मोर देन एनोड, ठीक है। तो कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होती है एनोड से। अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स विद ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वो कौन सा है, वो एक्ट्स एज एनोड, ठीक है। बट एलिमेंट्स विद रिडक्शन पोटेंशियल लिटिल तो वो एज एन कैथोड एक्ट करता है, ठीक है। ये भी दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल उसने दी है कि हमारे पास ZN जो है वो एज एन एनोड एक्ट करता है और एल्यूमिनियम जो है वो एज एन कैथोड एक्ट करता है। ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि एनोड पे रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये ज़रा मुझे आप लोग दोबारा कमेंट्स में बताओ कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, ठीक है। कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, कहाँ पे रिडक्शन होती है, ये आप लोग बताओ। अच्छा, रीज़न जो है वो उसने लिखी है, कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इज़ ग्रेटर दैन एल्यूमिनियम, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो है वो जिंक पे जो है वो जिंक जो है वो एज एन एनोड एक्ट करता है और एल्यूमिनियम जो है वो एज एन कैथोड एक्ट करता है, ठीक है। ये रीज़न उसने बताया क्या, और आप लोग मुझे बताओ कि लाइक एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। सो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 12। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।